अपन ने चैप्टर तो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब अपन चैप्टर नंबर 2 एनिमीज एवरीडे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। नॉटी, नॉटी मतलब डिसोबिडेंट, शैतान। नेस्टी, नेस्टी मतलब वेरी बैड, बहुत बुरा। लाइंग मतलब नॉट टेलिंग द ट्रूथ, सच नहीं बोलना। तो सच नहीं बोलने को क्या बोलते हैं? झूठ बोलना। पनिश्ड, पनिश्ड का क्या होता है? पेनल्टी, सजा देना। रिवेंज, रिवेंज मतलब टिट, बदला लेना। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रखे हैं। ट्रैप मतलब स्टक, फंसा हुआ या फंस गया। स्नैप मतलब कट, काटना। डिसअपॉइंटेड मतलब अनहैप्पी, दुख हुआ। प्लानिंग मतलब प्रिपरेशन, योजना। एनिमीज मतलब राइवल, दुश्मन। डिफीट का मतलब होता है लॉस, हार। सडनली मतलब ऑल एट वंस, अचानक। ऑनर मतलब मास्टर, मालिक। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको फिल करना है ये जो भी वर्ड्स रखे हैं इसमें। द रेट थ्रू अनदर प्लेट ऑन द कैट्स हेड। रेट ने क्या फेंका था कैट के हेड पे? प्लेट। यू आर लाइंग सो दैट आई डोंट यू। तुम झूठ बोल रहे हो इसलिए मैं आपको क्या करूँगा? आई पनिश यू। द कैट सॉ द रेट लाफिंग एट हिम। कैट ने क्या देखा कि रेट उस पर हंस रहा था। द कैट्स टेल गॉट ट्रैप इन द रेट ट्रैप। कैट की जो पूंछ थी वो किसमें फंस गई थी? रेट ट्रैप, जो होता है ना रेट को पकड़ने का उसमें। आफ्टर लाफिंग लाउडली, जोर से हंसने के बाद, द कैट पिक्ड अप द ट्रैप। हंसने के बाद कैट ने क्या पिक किया? वो जो ट्रैप जिसमें वो चूहा फंसा हुआ था ना, उसको पिक किया। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। जो सही है उस पर ट्रू लिखना है, जो रॉन्ग है उस पर फॉल्स लिखना है। द रेट थ्रू अनदर बॉल ऑन द कैट्स टेल। बॉल फेंकी थी क्या उसने? नो, फॉल्स। द कैट्स पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग। कैट की पनिशमेंट ये थी क्या कि आपको पूरी इवनिंग, पूरी शाम को घर के बाहर बैठना है? यस, इट्स ट्रू। द रेट क्लियरली ब्रॉट अ प्लेट नियर द कैट्स टेल। क्लेवरली उसने उसकी टेल पे फेंकी थी क्या प्लेट को? नहीं, फॉल्स। द कैट टुक आउट द रेट फ्रॉम द ट्रैप। कैट ने निकाला था क्या रेट को ट्रैप में से? ट्रू। दे शुक हैंड्स एंड क्विकली वेंट टू द हाउस। वो उन्होंने हाथ मिलाया और वो घर के अंदर चले गए? यस, इट्स ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वॉज द पनिशमेंट गिवन टू द कैट। कैट को क्या पनिशमेंट दी गई थी? द कैट्स पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग। पूरी शाम उसको क्या बैठना था? घर के बाहर बैठना था। वॉट प्लान डिड द कैट मेक टू टेक रिवेंज। क्या प्लान बनाया कैट से बदला लेने के लिए? द कैट प्लान दैट द कैट स्प्रेड रेड ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस। कैट ने ये प्लान बनाया कि वो पूरे घर में क्या बिछा देगा? रेड ट्रैप बिछा देगा। वॉट डिड द कैट डू टू द रेड इन द एंड? इन द एंड क्या किया कैट ने रेड के साथ? इन द एंड द कैट ब्रॉट रेड बैक होम विद हर। उसके साथ वो उसे वापस अंदर, घर के अंदर ले गया। पॉइंट नंबर डी, हु सेड दिस लाइन इन द स्टोरी एंड टू होम। किसने किससे कहा? पॉइंट नंबर 1, बट फर्स्ट यू हैव टू नो वेयर आई एम। ये किसने बोला था? ये रैट ने बोला था। किससे बोला था? कैट से बोला था। यू नेस्टी कैट, तुम गंदी बिल्ली, व्हाट हैव यू डन नाउ, तुमने अब क्या कर दिया? ये किसने बोला था? ऑनर ने बोला था, उनके मालिक ने बोला था। किससे बोला था? कैट से बोला था। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन थ्रो मी आउट नाउ। बधाई हो, तुम अब मुझे घर के बाहर फेंक सकते हो। ये रैट ने बोला था कैट से। नाउ कम टू द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट। ये ऑपोजिट वर्ड है, आपको बुक में फिल करना है। वेट का मीन्स ड्राई, फायर का मीन्स नियर। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, फायर मतलब दूर, नियर मतलब पास। लेफ्ट मतलब बाएं, राइट मतलब दाएं। फास्ट मतलब जल्दी, स्लो मतलब धीरे। स्टार्ट मतलब शुरू करना, फिनिश मतलब ख़त्म करना। हैप्पी खुश होना, सैड दुखी होना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब आपको इसमें सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड टिक करने। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब भी चालाक होता है, क्लेवर मतलब भी चालाक होता है। डम मतलब तो डफर होता है, तो क्लेवर पे टिक लगाना है अपन को। नीट मतलब साफ, टाइडी मतलब भी साफ। ट्रू मतलब सही, राइट मतलब भी सही। जॉग मतलब जॉगिंग करना, भागना, चलना, इसका होता है वॉक। ब्लैंक का एम्प्टी, हैप्पी का चीयरफुल, लिटिल का स्मॉल एंड लिसन का हियर।
अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें डबल कॉन्सोनेंट आते हैं, अगर वो करेक्टली स्पेल्ड है, करेक्टली उसकी स्पेलिंग सही है तो अपन को उसको सर्कल लगाना है। जैसे ग्रामर है, इसकी स्पेलिंग सही है तो उस पर सर्कल लगा दिया, सडनली सही है, रनिंग सही है। राइटिंग में सिंगल टी आता है, यहाँ पर डबल है तो ये रॉन्ग है। स्मॉलेस्ट सही है, कॉबलेस सही है, अफेक्टिंग सही है। जॉगिंग में सिंगल वर्ड दे रखा था तो अपन ने डबल वर्ड करके इस पर सर्कल लगा दिया। स्विमिंग सही है, डिफरेंस सही है, बाकी सब रॉन्ग थे तो उसमें कुछ भी नहीं करना। नाउ पॉइंट नंबर एच, कुछ वर्ड्स के पीछे ly लगाना है, कुछ वर्ड्स के पीछे er लगाना है, कुछ वर्ड्स के पीछे or लगाना है, इनको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लेवर में ly लगा दिया तो cleverly, स्लो में ly लगाया तो slowly, लाउड में ly लगाया तो loudly, प्ले में er लगाया तो player, में or लगाया तो mayor, टीच में er लगाया तो टीचर, टेल में or लगाया तो टेलर, बाय में er लगाया तो बायर, एंड डॉक में or लगाया तो डॉक्टर, ठीक है। नाउ लास्ट एक्टिविटी, यहाँ पे सेंटेंस है, आपको उन प्लेस पे टिक करना है जो वहाँ पे होता है। वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, इसमें अपन मूवी देखते हैं, वो क्या होता है, स्कूल होता है क्या? नो, इट्स सिनेमा हॉल। पॉइंट नंबर टू, द पिंक फ्लावर आर प्रीटी, पिंक फ्लावर क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो कहाँ होता है पिंक फ्लावर, मॉल में होता है क्या? नो, गार्डन में होता है। मदर इज़ कुकिंग पिज्ज़ा, मदर क्या बना रही है, पिज्ज़ा बना रही है। किचन में बनाती है या मंदिर में बनाती है, किचन में बनाती है ना, तो किचन पर टिक करना है। लेट अस बाय सम न्यू क्लॉथ्स, अपन कुछ कपड़े खरीदते हैं। टेम्पल से, मंदिर से खरीदते हैं या शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, ओके। आपको इन सबको जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसको बुक में फिल करना है, बाकी जो वर्कशीट गिवन है उसको नोटबुक में करना है, ओके।